कालो न जानाति तव जननं काल न जानाति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल नमस्कार आ, आप सभी को और मैं माफी चाहता हूं कि यहां कुछ कार्यों में शामिल होने की वजह से वहां उपस्थित नहीं हो सका लेकिन मैं दिल से पूरी तरह से आपके साथ हूं मैं सत्तर के दशक के मध्य से कश्मीर की परिस्थितियों पर गौर करता आ रहा हूं एक के बाद एक अत्याचार हुए हैं और मैंने यहां के पिछले 600 से 700 सालों के इतिहास से भी खुद को अवगत कराया है इसके शानदार पहलुओं और अत्याचार दोनों से यह नरसंहार और तबाही सिर्फ तीन दशक पुराने नहीं हैं, बल्कि यह 600 सालों से हो रहे हैं जनसंख्या के आंकड़ों में यह बदलाव एक रात में नहीं हुआ है जब यह हो रहा था तब जो किया जाना चाहिए था वो किन्हीं वजहों से नहीं किया गया मैं यहां किसी को दोष देने नहीं आया हूं ना ही मैं कुछ ऐसा कहने आया हूं जिससे आपको चोट पहुंचे क्योंकि आपके जख्म पहले ही इतने गहरे हैं कि उन्हें छूने पर भी पीड़ा होगी मैं समझता हूं इस बात को आई मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है मेरी संवेदना को व्यक्त करने के लिए इसे बस नहीं किया गया मतलब कि वो चीजें जो एक समाज की ढाल बन सके और हमारे लिए कीमती चीजों की सुरक्षा कर सके वो लोग जो शासन में थे और पवित्र संस्थाएं जिन्हें इसकी जानकारी थी वो इसे नहीं कर पाए दुनिया अभी भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई बिना सैनिकों के बस विद्वानों के द्वारा किसी मूल्यवान चीज को सुरक्षित और पोषित कर पाए brunt of it has been taken by the Kashmiri people. ये गलती सारे हिंदुस्तान में हुई और इसका खामियाजा कश्मीरी लोगों को भुगतना पड़ा पर ऐसा पूरे देश में हुआ है अगर आपके घर में कोई कीमती चीज़ है तो आपको एक तिजोरी की जरूरत होती है एक रखवाली करने वाले की और शायद एक बंदूक की भी इस पहलू को हिंदुस्तान ने नजरअंदाज कर दिया था अपने चारों ओर पहाड़ियों के सुरक्षा घेरे को देखकर हम यह सोचकर जीते रहे कि कोई भी हमें आकर नहीं छुएगा हम जीवन के सूक्ष्म पहलुओं पर ध्यान देते रहे लेकिन जिन लोगों की समझ से यह परे था या जिनके खुद के निर्दयी इरादे थे उन्होंने हमारा पूरी तरह फायदा उठाया मैं कह रहा हूं कि कई तरह से ये, ये आपका अपमान आप करने के लिए नहीं है प्लीज जो हो चुका उस पर पछताने से कोई मतलब नहीं है अब भारत की आध्यात्मिक को मजबूत करना होगा जो धार्मिक भेदों से परे और गहरे मानवतावाद के बारे में है जो कि हमारी संस्कृति का आधार है और फिर जो कुछ भी किया जा सके आर्थिक रूप से या कम से कम कुछ भौगोलिक हिस्सों को वापस पहले जैसी स्थिति में लाने के रूप में ये ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे लोग फिर से खतरे में न आ जाए यह एक जटिल काम है कुछ प्रयास हो भी रहे हैं मैं समझ सकता हूं जो डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा और जो कह रहे थे क्योंकि सिर्फ कोशिशें ही काफी नहीं हैं, नतीजे क्या निकले यह महत्वपूर्ण है नतीजे ज्यादा नहीं दिखते हालांकि 370 का हटाया जाना एक बड़ा कदम था फिर भी इसे जमीनी हकीकत में लागू करना कि एक आम आदमी के लिए वहां सड़क पर चलना सुरक्षित हो अभी तक नहीं हो पाया है हालांकि सरकार लोगों को वहां रोजगार लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और दूसरे राज्यों से मजदूर भी वहां काम करने जा रहे हैं लेकिन उनका भी जीवन सुरक्षित नहीं है साथ ही जब पिचासी से 90 प्रतिशत जनसंख्या इस तरह की चीजों में शामिल हो तो सुरक्षा बलों के लिए भी इसे काबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है इसे राजनीतिक और सैनिक समाधान की जरूरत है सेना वहां पर है लगभग पांच लाख सैनिक कई सालों से वहां पर हैं लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय अभियान और मनगढ़ंत कहानियां आपके चारों ओर गढ़ी जा रही हैं जैसा कि आपने बताया तो मेरे ख्याल से एक जरूरी चीज ये होनी चाहिए कि हम लोगों को अपनी व्यथा बताना शुरू करें वैसे हाल ही में कोई फिल्म इस बारे में बनाई गई है और इससे लोगों को चीजें पता भी चली हैं नहीं तो मेरे से आगे वाली पीढ़ी को यह पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है अब ये सामने आ चुका है लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी भी चुप हैं और लोग उन्हीं को सुन रहे हैं निश्चित तौर पर हमारा समय आ चुका है अब हमें अपनी भौगोलिक और जाती पहचान से ऊपर उठने की जरूरत है लेकिन उसे खोकर नहीं उस पहचान के साथ ये कीमती ज्ञान जो हमारे पास है यही आगे का रास्ता है क्योंकि इस पहचान और इस क्षमता के साथ हम वही बने रह सकते हैं जो हम हैं चाहे हम जहां भी रहें मैं कश्मीर को खारिज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कृपया मुझे गलत ना समझें क्योंकि मुझे तकलीफ होती है ये देखकर कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते यहां वहां दो कश्मीरी हिंदुओं को गोली मार दी गई मेरे लिए ये संख्या नहीं है मेरे लिए ये लोग हैं आप और मेरे जैसे दो लोगों को वहां गोली मार दी गई अरे बस दो वो बस दो नहीं दो जिंदगियां और दो परिवार और उनसे जुड़े लोग सब तबाह हो गया तो एक चीज शायद आप में से कई लोगों को ये मामूली सी चीज लगे लेकिन मैं आपके समुदाय की लंबी खुशहाली के बारे में सोच रहा हूँ वी नीड टू कैप्चर हमें लोगों को अपनी बात बतानी होगी और भी कई सारी चीजें की जानी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये जानने के इच्छुक हैं कि लोगों तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं तो मैं आपके साथ एक दिन गुजारने को तैयार हूँ एक छोटे ग्रुप के साथ कि कैसे लोग हमारी बातों को सुने मैं कह रहा हूं कि सारे देश में आप केंद्र सरकार से यह मांग करें कि जो त्रासदी कश्मीर में हुई है लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे कम से कम स्वीकार तो करें हर शहर में कम से कम भारत के हर बड़े शहर में एक सड़क का नाम किसी कश्मीरी के नाम पर होना चाहिए चौराहे का नाम कश्मीर के नाम पर होना चाहिए या फिर कश्यप पर्वत हो या चोटी हो मैं जानता हूं कि यह कमजोर विकल्प हैं लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कश्मीरी इतिहास के गौरवशाली और अत्याचारी पहलुओं को याद रखा जाए और भारत में हम सभी उन्हें मनाएं, तो हमें प्रतीक बनाने होंगे क्योंकि वापस जाकर सीधे जमीन ले लेना हमें इस बारे में थोड़ा व्यावहारिक बनना पड़ेगा क्योंकि हाल ही में मैं आपके समुदाय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ था जो एक महत्वपूर्ण पद पर हैं वो मुझसे कह रहे थे कि सदगुरु रिटायर होने के बाद मैं वापस श्रीनगर चला जाऊंगा मैंने कहा प्लीज ऐसा मत कीजिए कम से कम आपके जैसे कद वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उन लोगों को आपके साथ कुछ भयानक करने में बहुत मजा आएगा तो हमें समझना चाहिए कि इस सब का सार ये है कि एक धार्मिक कट्टरता है और ये कट्टरता किताबों में लिखी हुई है और अगर हम इस व्यथा या नैरेटिव को हर जगह नहीं पहुंचाते और यह नहीं कहते कि यही वो व्यथा है जिसमें बदलाव की जरूरत है बस एक परिस्थिति को बदलना एक ही स्थिति को ठीक करने की कोशिश करते रहना कारगर साबित नहीं होगा क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि अजरबैजान से लेकर कंबोडिया तक हिंदुस्तान हुआ करता था अब यह इतना रह गया है और अब कश्मीर एक समस्या है जहां वो उसे और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सिकुड़ा एक रात में नहीं हुआ है जनसंख्या में बदलाव एक रात में नहीं हुआ है जनसंख्या के आंकड़ों में बदलाव एक तकनीक है क्योंकि ऐसे लोग हैं जो 100, 200, 500 सालों तक के लिए समर्पित हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर उनके इरादे 500 साल बाद भी पूरे हों वो तब भी इसके लिए काम करने को इच्छुक हैं ऐसा समर्पण कई तरह की निर्दयी परिस्थितियां पैदा करता है लेकिन आम तौर पर हमारे समुदाय यहां जी रहे लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए समर्पित हैं उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए नहीं तो इन सब के बावजूद अगर हम चाहें तो क्या सब ठीक हो जाएगा नहीं क्या हम वो जिंदगियां वापस ला सकते हैं जो हमने खो दी हैं नहीं बिल्कुल नहीं लेकिन यहां तक कि उस भौगोलिक हिस्से को वापस लेना भी बहुत बहुत मुश्किल है कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना मुझे लगता है कि एक सकारात्मक कदम है सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक कानून के रूप में मान्यता दे दी है यह एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे समझना जरूरी है कि इतिहास में हमसे कई बड़ी गलतियां हुई हैं अगर हम किसी चीज को समय रहते नहीं करते और उसे कल पर टालने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए देर हो जाएगी जो गलतियां हो चुकी हैं हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते लेकिन हम ये पक्का कर सकते हैं कि कैसे हमारा भविष्य बेहतर हो हम अपने पूर्वजों के दर्द और तकलीफों में डूबकर नहीं जी सकते लेकिन हम एक सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से संपन्न पहचान स्थापित कर सकते हैं आ, हम उस पहचान का आनंद उठा सकते हैं जो हम हैं जो हमारे बच्चों का भविष्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि आप इसे भूल सकते हैं मैं कोई फिलोसफी नहीं झाड़ रहा चिंता मत कीजिए कल सब ठीक हो जाएगा मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं मैं लोगों को दिलासा देने में बहुत अच्छा नहीं हूं लेकिन मैं इसके समाधान के बारे में सोचता हूं मैं सरकार के कई महकमों से इस पर बात भी कर चुका हूं लेकिन हर समाधान जो आप सोचते हैं कि उसे किसी के द्वारा विफल कर दिया जाता है क्योंकि वो बोल रहे हैं और उन्हें सुना जा रहा है मुझे लगता है कि लोगों को अब सच्चाई पता चलनी चाहिए मुझे पता है मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पर एक फिल्म बनी है लेकिन डेढ़ से दो घंटे या जितनी भी लंबी फिल्म हो उसका सिनेमाघरों में लगना एक बात है वो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि आपको एड फिल्मों की तरह दस पंद्रह या बीस मिनट की फिल्में बनानी चाहिए अलग अलग परिवारों की पीड़ा को उजागर करके दुनिया भर के लोगों के दिलों को पिघलाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अब हम तकनीक के उस स्तर पर आ चुके हैं जहाँ अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें सिनेमाघरों की जरूरत नहीं है आज हर किसी के फोन पर हर किसी के कंप्यूटर पर इसे देखा जा सकता है अगर आप समाधान चाहते हैं तो मेरे ख्याल से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं समझता हूँ आपने समय सीमा का जिक्र किया हम में से वो लोग जिन्होंने इस पीड़ा को देखा है जो इसके साक्षी हैं अगले 20-25 सालों में हम शायद नहीं रहेंगे मुझे इस बात का दुख भी है लेकिन लोगों को अपनी व्यथा सुनाकर मेकिंग कश्मीर विजिबुल ऑल ओवर कंट्री एटलीस्ट इन इंडिया एवरीबडी in और कश्मीर को पूरे देश में दिखाकर कम से कम भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था अगर ऐसा नहीं होता अगर ये लोगों के दिलों दिमाग में नहीं जाता तो बहुत कुछ हुआ है इस देश में बहुत भयानक चीजें हुई हैं लेकिन वो सब गायब है वो बस जा चुकी हैं जैसे कि वो हुई ही नहीं थी लाखों लोग जो अकाल से मरे जो कि लाया गया था लाखों लोग जिन्हें काट दिया गया लाखों लोग जिन्हें जहर दे दिया गया बहुत कुछ हुआ है और हजारों हजार मंदिर तोड़ दिए गए ये सब भुलाया जा चुका है ठीक है क्योंकि किसी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी यही समय है जब लोगों को असली कहानी बताई जानी चाहिए ऐतिहासिक न्याय के अर्थों में हमें उस कहानी को वापस लाना चाहिए हम ये स्पष्ट रूप से समझते हैं कि हम सब कुछ वापस नहीं पा सकते हम सब कुछ वापस नहीं बना सकते हम लोगों के खिलाफ उनके पूर्वजों ने जो किया है उसके लिए द्वेष नहीं रख सकते लेकिन लोगों को हमें अपनी कहानी बतानी ही होगी अगर हम कहानी नहीं बताते तो हम एक जड़विहीन और गौरविहीन समुदाय होंगे जिसे हमें बदलना ही चाहिए जहां तक कश्मीरी लोगों के अपनी जमीन पर वापस जाने की बात है मुझे पता है कि सपना यही है लेकिन हर कुछ हफ्तों में मैं देखता हूं दो मरे पांच मरे हम ये नहीं देखना चाहते इसे कैसे सुनिश्चित करें खैर यह सेना और राजनीति के बीच का मामला है ऐसा होना ही चाहिए प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अगर एक भी व्यक्ति मरता है तो हमें लगता है कि पर्याप्त कोशिश नहीं हो रही इतने सारे सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है सौभाग्य से हमारे पड़ोस में अव्यवस्था है इसलिए वहां से जितना सहयोग मिल रहा था वो आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से घटेगा हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और पक्का करना चाहिए कि सीमा पार से जो समर्थन मिल रहा था वो रुक जाए इसे रोक देने से आंतरिक सुरक्षा को काफी हद तक सुरक्षित किया जा सकता है किस हद तक यह हमें देखना होगा क्योंकि जब सामान्य लोग जो लोग रोज केवल सड़क पर चलते हैं जो सब्जी की दुकान पर जाते हैं जो चाय की दुकान पर बैठते हैं उनके घर में बंदूक होती है और कभी कभी वो जिसे अपना धार्मिक कर्तव्य या जो कुछ भी समझते हैं वो उसे पूरा करते हैं किसी भी एजेंसी के लिए इन सभी को पकड़ना बहुत मुश्किल है दुनिया भर में ऐसी घटनाएं हुई हैं और फिर वो दशकों और सदियों तक चलती रही हैं क्योंकि ये एक सबक है भारत सरकार और देश की हर राज्य सरकार और सबसे बढ़कर इस महान राष्ट्र भारत के सभी लोग हम सभी को यह सीखना चाहिए कि अगर हम समय रहते किसी समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं तो कल बहुत देर हो सकती है अभी हम उसी स्थिति में हैं मैं जानता हूं कि मैंने कोई सांत्वना नहीं दी है मैं सहानुभूति भरे शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरा दिल आप में से हर एक के लिए समानुभूति से गूंज रहा है इस देश में आपकी पीड़ा कई मायनों में बेमिसाल है लेकिन ऐसी ही चीजें हर जगह हुई हैं। कम से कम आप बोल तो रहे हैं दूसरे तो बोल भी नहीं रहे हैं कितनी सारी चीजें हुई हैं लेकिन आपके मामले में सबसे बुरी बात यह है कि ये अब हुआ है लगभग इक्कीसवीं सदी में और अगर आप इसकी छूट दें, तो यह अभी इक्कीसवीं सदी में हो जाएगा तो सबसे बुरी बात यह है कि यह घटना स्वतंत्र भारत में हुई जैसा कि मैंने कहा मेरे पास ना तो आपकी समानुभूति व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द हैं, ना ही मेरे पास कोई चुटकी वाला समाधान है यूं किया और बस हो गया मेरे पास दोनों ही नहीं है मेरे मन में आप सभी के लिए गहरी समानुभूति है अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो सदगुरु ये बातें दिल को छू लेने वाली थी जैसा कि आपने कहा हमें प्रतीक बनाने की जरूरत है हमें बोलकर लोगों को सुनाने की जरूरत है हम अतीत को ठीक नहीं कर सकते लेकिन हम भविष्य बना सकते हैं और आपने ये भी कहा कि इन सब में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे और हम आपसे ये सुनकर धन्य महसूस कर रहे हैं हमें हमदर्दी नहीं चाहिए सदगुरु हमें समानुभूति चाहिए हम ये बात सबके सामने रखना चाहते हैं। हम अब हमदर्दी से परे हैं, हम अच्छे से जी रहे हैं लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी शिविरों में रह रहे हैं अच्छे से नहीं जी रहे हैं सड़कों पर अपने जीने के अधिकार के लिए लड़ रहे है सदगुरु यहाँ हमारे साथ रहने और अपने विवेक से हमें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम मैं एक शब्द कह सकता हूँ मैं एक बात बोल सकता हूँ मैं शिविरों की स्थिति के प्रति बहुत सचेत हूँ मुझे उम्मीद है कि राहुल पंडित आपके बीच हैं, और मैंने उनके लेख और चीजों को पढ़ा है मैंने कई लोगों से बात की है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ लेकिन मैं कैंप की स्थिति के बारे में बता दूं। खैर सरकारी कामकाज आप जानते हैं कि यह कैसे होता है भले ही उनके पास इरादे हों लेकिन उनके पास एक ऐसी मशीनरी है जो बेहद धीमी गति से चलती है उस गति से नहीं जो मानव कल्याण के लिए जरूरी है आमतौर पर यह बहुत धीमी गति से चलती है तो ये कहने के बाद मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से क्योंकि आप में से कई कॉरपोरेट जगत में स्थापित हैं आप किसी एक निगम की मदद ले सकते हैं क्योंकि शिविर में बहुत ज्यादा खर्च नहीं लगता अगर कोई हर साल कुछ करोड़ खर्च करता है तो इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है और इसे और अधिक ढंग से बनाया जा सकता है और मानव आवाज बेहतर तरीके से हो सकता है और रोजगार और बाकी चीजें भी पैदा की जा सकती हैं अगर आप एक निगम का चयन कर लेते हैं तो मैं भी कुछ लोगों से उनके सी को लेकर बात कर सकता हूँ या वो इसे अपने हाथों में लेकर पुनर्जीवित कर सकते हैं सरकारों द्वारा ऐसा करने का लगातार इंतजार करने के मुकाबले ये समाधान कहीं जल्दी हो जाएगा सतगुरु हम बस इसी की मांग कर रहे हैं हम सहानुभूति नहीं चाहते हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रहे प्रियतोष जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं सतगुरु प्रणाम सतगुरु जी मेरे पास जो प्रश्न हैं वो इस बात से संबंधित है जिसके बारे में सभी जानते हैं कि हम एक जड़विहीन समुदाय हैं हालांकि इन बीते सालों में हमने प्रगति की है और हम समृद्ध हैं हम में से ज़्यादातर लोग समृद्ध हैं लेकिन हमारे भीतर एक गहरी निराशा बैठी हुई है जो जाती नहीं है सतगुरु क्या आप हमें आगे का मार्ग दिखा सकते हैं और क्या आप बता सकते हैं कि हम इस सदमे से कैसे उभरें जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी पहचान क्योंकि ऐसा हर जगह हो रहा है अगर इस तरह के अत्याचार नहीं है तब भी दुनिया भर के सभी समुदायों के साथ ऐसा हो रहा है अब हमारी पहचान भूगोल से आगे बढ़ रही है और हमारी पहचान को अब हमारी संस्कृति हमारी आध्यात्मिकता और हमारा ज्ञान जो हमारे पास है उसमें बदलने की जरूरत है अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे एक चीज ये हो सकती है कि सभी कश्मीरी हिंदू युवा इसमें शामिल हो सकते हैं अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको जगह और जरूरी बुनियादी ढांचा प्रदान करूंगा अगर आप आना चाहते हैं और करना चाहते हैं जैसे कि दक्षिण में एक दिन कश्मीर दिवस तो हम आपको हर वो चीज उपलब्ध कराएंगे जिसकी आपको जरूरत है आप अपना साहित्य प्रस्तुत करें अपनी कला संगीत सब कुछ प्रस्तुत करें और लोगों को पता चलने दें और कहानियां भी सुनाएं लेकिन कहानियां कश्मीरी संस्कृति की सुंदरता और शक्ति की हो न कि केवल वहां हुई भयानक चीजों की, की उसे भी बताने की जरूरत है लेकिन ये महत्वपूर्ण है किसी और ने आपके साथ जो किया उसके लिए आपने अपने साथ जो किया है जो कि महत्वपूर्ण है ये कश्यप की भूमि है कश्यप सप्तऋषियों में से एक थे जैसा कि आप जानते हैं हम आदि योगी और सप्त ऋषियों का सम्मान करते हैं और दुनिया भर में उत्तरी अफ्रीका दक्षिण अमेरिका मध्य एशिया दक्षिण पूर्व एशिया में सप्त ऋषियों के पचिन्हों की पहचान करने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं और कुछ शोध चल रहे हैं और निश्चित रूप से भारत में भी हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और अगर आप ज्ञान संस्कृति को लाएंगे अगर आप उन सबको एक बड़े उत्सव के रूप में नहीं भी ला सकते हैं अगर आप साहित्य लाते हैं तो दक्षिण भारत में हम आपको एक आधार प्रदान करेंगे अगर आप संगीत लाते हैं तो हम आपको आधार प्रदान करेंगे या अगर आप सांस्कृतिक उत्सव के रूप में आते हैं तो भी बढ़िया है लेकिन मुझे यकीन है कि शुरू करने के लिए पूरे देश में और में और दुनिया भी इसी तरह की की चीजें जा सकती हैं किया जा सकता है लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ऐसा भारत में हो कि आप खुद को प्रस्तुत करें ताकि युवा निराशा में न जाए युवाओं के पास कुछ करने के लिए होगा और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में भी इसकी अहम भूमिका होगी धन्यवाद सतगुरु हाँ इसी तरह के मदद की इसी तरह के सहयोग की हमें जरूरत है और हम चाहते हैं एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते हम आपसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने और रियल वास्तविक समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं ताकि हम अपनी कश्यप भूमि पर वापस जा सके सतगुरु बहुत बहुत धन्यवाद इसके एक हिस्से के रूप में जैसा कि मैंने कहा एक समयबद्ध तरीके से अगर आप इसे करते हैं तो हम आपको दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में एक मंच प्रदान करने के साथ साथ आपके लिए कम से कम पांच से दस हजार लोगों को आसानी से इकट्ठा भी कर सकते हैं ताकि कश्मीर और कश्मीर का संदेश और कश्मीर की गौरवशाली प्रकृति और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान जो कश्मीर में था और वहां के लोगों में निवेशित किया गया था क्योंकि इस दुनिया का भविष्य हो सकता है कि अभी जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत से लोगों की समझ में ना आए क्योंकि इस समय वो पीड़ा और उस प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने यूरोप अमेरिका और अन्य विभिन्न देशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के युवाओं से बात करते हुए पाया है मैंने जो पाया वो ये इन अनदर थर्टी टू फोर्टी ईयर्स द डोगेटिक रिलीजन विल रिसीड सिग्निफिकेंटली बिकॉज एनीथिंग दैट दिन मेक लॉजिकल सेंस इन पीपल्स हेड्स विल स्लोली रिसीड कि अगले 30 से 40 वर्षों में कट्टरपंथी बड़ी तेजी से नीचे आएंगे क्योंकि जो कुछ भी लोगों को तार्किक नहीं लगेगा वो धीरे धीरे दूर जाता जाएगा ऐसा होने भी लगा है यूरोप में पश्चिमी यूरोप में लगभग बयालीस प्रतिशत लोग कहते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है ब्रिटेन में करीब छत्तीस फीसदी लोग अपने फॉर्म में लिख रहे हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है अमेरिका में 32 से 33 प्रतिशत लोग कह रहे हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है ऐसा इसीलिए क्योंकि स्वर्ग से टिकट बेचकर लोगों को मैनेज करना वो समय अब जा चुका है जब तक कि ये तार्किक नहीं लगता लोग किसी भी चीज से संबंध नहीं जोड़ेंगे 25 से 30 सालों में ये संख्या बढ़कर 70 से 80 प्रतिशत हो जाएगी हम इसमें और तेजी ला सकते हैं हम ये पक्का कर सकते हैं कि ऐसा अगले 10 से 15 सालों में हो जाए मूल रूप से मैं जो काम कर रहा हूँ उसका उद्देश्य लोगों को धर्म से जिम्मेदारी की ओर ले जाना है आध्यात्मिक प्रक्रिया हम जो हैं उसका आधार है जो कुछ समय से एक धर्म के रूप में प्रस्तुत की जा रही है लेकिन मूल रूप से ये मानव की आंतरिक खुशहाली के लिए एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहां इसका उद्देश्य मानव मुक्ति है ये ऊपर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है जिसके पास आप जाने वाले हैं ये मानव मुक्ति के बारे में है ये एक इंसान के बारे में है जो परमात्मा की तरह कार्य करने के लिए कृपा अर्जित करता है इसका उद्देश्य स्वर्ग जाना नहीं बल्कि खुद परमात्मा बन जाना है हम जिन चीजों से बंधे हुए हैं उनसे मुक्त होने के लिए मुक्ति पाने का यह पहलू सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन जाएगा और यह अगले 10 से 15 से 20 सालों में बढ़ेगा जितनी जल्दी हम इसे कर लें, उतना ही अच्छा है उस संदर्भ में आपका अपने ज्ञान से पहचान जोड़ना आपका अपनी आध्यात्मिकता से पहचान जोड़ना यह भविष्य के लिए गोला बारूद है ऐसा नहीं है कि हम किसी पर गोले बरसाने जा रहे हैं हमारा तरीका तो दुनिया को गले लगाना है दुनिया को नष्ट करना नहीं है लोगों को शामिल करना हमारा तरीका है हमारे जीवन का तरीका समावेश है विजय नहीं इसलिए कश्मीर के आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान बनाना महत्वपूर्ण है ये सरस्वती और शारदा की भूमि है यही मूल पहचान होनी चाहिए मुझे ये कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि पहाड़ों और घाटियों से नहीं बल्कि उस ज्ञान से जो आपके पास है क्योंकि वही भविष्य है बहुत बहुत धन्यवाद